जय श्री महाकाल दोस्तों, ज्योतिष जगत के संगम में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस संगम में हम कुंडली विश्लेषण का दूसरा वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ये जो जातक है, इनका नाम हमने बदल कर एक्स वाई जेड रखा है, जिनका जन्म 8 नवंबर 1991 को 4 बजे AM को पटना बिहार में हुआ था। तो आज हम इनकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि इस कुंडली की क्या विशेषताएं हैं और इसमें क्या क्या नकारात्मकता है। दोस्तों, ये इस जातक की कुंडली है। इस कुंडली के माध्यम से हम जान सकते हैं कि इस जातक का जो लग्न है वो कन्या लग्न है, क्योंकि लग्न में ही 6 नंबर लिखा हुआ है और 6 नंबर कन्या लग्न बनाता है। इसके साथ ही इनका जो चंद्रमा है वो तीसरे भाव में 8वीं राशि के साथ में है, अर्थात इनकी जो राशि है वो वृश्चिक राशि कहलाएगी। इस प्रकार इनका जो लग्न है वो कन्या लग्न है और जो इनकी राशि है वो वृश्चिक राशि कहलाएगी। इसके साथ ही हम कुंडली में देखेंगे कि जो मंगल है वो तुला राशि में है और मंगल अस्त इसके अंदर बता रहा है, मतलब कि जो मंगल है वो सूर्य के साथ में है और सूर्य के कारण मंगल अस्त हो चुका है। इस प्रकार 3 चीज़ें हमने इसमें देख ली। सबसे पहली ये कि ये जो लग्न है ये कन्या लग्न है, इसकी जो राशि है वृश्चिक राशि है और इसमें जो मंगल ग्रह है वो सूर्य के साथ होने के कारण अस्त हो चुका है। अब दोस्तों, इस कुंडली की हम विशेषता देखते हैं। सबसे पहली ये विशेषता है कि जो इसका लग्न है उसमें ही शुक्र ग्रह बैठा हुआ है। तो शुक्र ग्रह अगर 6 नंबर की राशि के साथ में, अर्थात अगर कन्या राशि में होता है तो शुक्र ग्रह नीच का हो जाता है। तो सबसे पहली बात यह है कि इसके लग्न में ही शुक्र ग्रह नीच का हो चुका है। दूसरी बात देखते हैं, इनका जो दूसरा भाव है उसके अंदर सूर्य और मंगल की युति है, जिसमें से मंगल अस्त है, लेकिन सूर्य जो है वो तुला राशि में बैठा हुआ है और तुला राशि का जो सूर्य होता है वो भी नीच का माना जाता है। तीसरा भाव देखते हैं, तीसरा भाव जो है उसमें चंद्रमा बैठा हुआ है और वृश्चिक राशि का है, तो वृश्चिक राशि का जो चंद्रमा होता है वो भी नीच का माना जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो चौथा भाव है वो धनु राशि का है और धनु राशि में राहु बैठा हुआ है और धनु राशि का जो राहु होता है वो भी कई विद्वान नीच का मानते हैं। पांचवा भाव है उसमें शनि बैठा हुआ है, दशम भाव में केतु बैठा हुआ है और तीसरी राशि का अर्थात मिथुन राशि का है, इसलिए केतु भी नीच का माना जाता है और 12वें भाव में गुरु देव बृहस्पति विराजित हैं। इस प्रकार से लग्न में पहले भाव में, दूसरे भाव में, तीसरे भाव में, चौथे भाव में और 10वें भाव में इस पूरी कुंडली में 5 ग्रह नीच के पाए गए हैं। अब दोस्तों, हम देखते हैं कि नीच का मतलब क्या होता है। नीच का मतलब ये होता है कि अगर कोई सा ग्रह अपनी नीच राशि में होता है तो उसके काफ़ी बुरे परिणाम देखने को मिलते हैं। मतलब जैसे पहले लग्न में, इस जातक के पहले लग्न में शुक्र नीच का है, तो शुक्र ग्रह अगर नीच का है तो जो जातक है उसका जो रुझान है वो महिलाओं की तरफ काफ़ी रहेगा। इसके साथ ही उसका व्यक्तित्व जो है वो काफ़ी आकर्षक तो रहेगा, लेकिन इसका झुकाव महिलाओं की तरफ काफ़ी रहेगा और महिलाओं को लेकर काफ़ी नकारात्मकता इसके मन में रह सकती है। अब दूसरी बात करते हैं, सूर्य भी नीच का है दूसरे भाव में, तो सूर्य के कारण इनकी जो वाणी है वो काफ़ी उग्र हो सकती है और ये तुनक मिजाज भी हो सकते हैं। बात बात में गुस्सा आना, किसी को बिना सोचे समझे कुछ भी कह देना। तीसरा हम देखते हैं, तीसरे भाव में चंद्रमा नीच का है, तो चंद्रमा के नीच के होने के कारण इनका जो मन है वो काफ़ी अशांत रह सकता है। साथ में बुध भी इसके साथ में है जो लग्नेश है, इस कारण से बुध और चंद्रमा की एक युति बनती है, जिस कारण से इनको स्वास्थ्य संबंधित कुछ ना कुछ परेशानी हो सकती है। चौथे भाव में राहु भी नीच का है, तो राहु के कारण इनकी माता को कुछ कष्ट हो सकता है, क्योंकि राहु जो है वो माता के घर में बैठा हुआ है। साथ ही भूमि, मकान और वाहन से जुड़ी कई प्रकार की समस्या इनके जीवन में देखने को मिल सकती है। पांचवें घर में शनि बैठा हुआ है जो इनका लग्नेश का मित्र माना जाता है। इसके साथ ही दशम भाव में केतु नीच का बैठा हुआ है। अगर केतु नीच का होता है तो व्यक्ति स्वच्छंद होता है, घूमने फिरने का शौकीन होता है और
अगर दशम भाव में केतु नीच का हो जाता है तो नौकरी संबंधित या व्यापार संबंधित कुछ ना कुछ परेशानी अवश्य देता है। इनके 12वें भाव में गुरुदेव बृहस्पति विराजित है, अर्थात गुरुदेव बृहस्पति एक तो इनके मार्केश है इनकी कुंडली के, और ऊपर से 12वें भाव में विराजित है, अर्थात जब भी गुरुदेव बृहस्पति की दशा या अंतरदशा आएगी तो इनके खर्चे में काफी वृद्धि हो सकती है और कोर्ट कचहरी या अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। अब दोस्तों इस कुंडली में हम नवमाश कुंडली भी देख लेते हैं। नवमाश कुंडली के जो लग्नेश है वो सूर्यदेव हैं, साथ ही दूसरे भाव में गुरु चंद्र और राहु की युति बनी हुई है, गुरु चांडाल योग बना हुआ है। इनके सप्तम भाव में शुक्र ग्रह विराजित है, शनि और केतु ये इनके अष्टम भाव में है और सूर्य और मंगल की युति इनके नवम भाव में है। तो इनकी जो नवमाश कुंडली है वो लग्न कुंडली से काफी अलग है। अब हम इनकी निरयण भाव चलित कुंडली देख लेते हैं। भाव चलित कुंडली में आप देखेंगे कि जो लग्न कुंडली है उससे एक एक घर पीछे सारे ग्रह चले गए हैं, इनके लग्न में ही सूर्य और मंगल आ गया है। शुक्र जो है वो 12वें भाव में जाके उच्च का हो चुका है। इसके अलावा दूसरे भाव में बुध और चंद्रमा की युति आ चुकी है, तीसरे भाव में राहु देव आ गए हैं और इनके चौथे भाव में शनि और नवम भाव में केतु आ चुके हैं। इसके साथ ही जो गुरु है वो उच्च का हो गया है और इनके 11वें भाव में आ चुका है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो भावचलित कुंडली है वो लग्न कुंडली से कितनी अलग हो चुकी है। इसमें गुरुदेव उच्च के हो चुके हैं, शुक्र भी उच्च का हो चुका है क्योंकि 12वें भाव में विराजित हो गया है, सूर्य और मंगल भावचलित कुंडली में लग्न में आ चुके हैं। दोस्तों अब इस कुंडली में जो ग्रह नीच के हैं, 5 ग्रह इसमें नीच के हैं, तब इसमें ऐसा नहीं होता है कि जो नीचे ग्रह है ये हमेशा नीच का ही फल देते हैं। इसमें आपको गोचर का भी ध्यान रखना पड़ता है, साथ ही इसमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि वर्तमान में दशा और अंतरदशा किसकी चल रही है, क्योंकि ग्रह अपना जो फल होता है वो अपनी दशा या अंतरदशा में ही प्रदान करता है। इसलिए अब हम देखते हैं कि इसकी दशा और अंतरदशा किस ग्रह की चल रही है। दोस्तों इस जातक की जो महादशा है वो गुरु की चल रही है। 20/9/2016 से 20/9/2032 तक इसकी महादशा गुरुदेव बृहस्पति की रहेगी। गुरुदेव बृहस्पति इसकी कुंडली में 12वें भाव में विराजित है, इस कारण से गुरुदेव बृहस्पति कारण खर्चों में बढ़ोतरी होगी, कोर्ट कचहरी के चक्कर लग सकते हैं। गुरु की महादशा में इनकी शनि की अंतरदशा चल रही है। शनि जो है वो 5वें भाव में बैठे हुए हैं और इनके लग्न के परम मित्र माने जाते हैं। दोस्तों गुरु की महादशा में शनि की अंतरदशा चल रही है, शनि जो है वो इनके 5वें भाव में बैठा हुआ है और इनके लग्न का परम मित्र माना जाता है। लग्न के मित्र होने के कारण ये 5वें भाव में संतान संबंधित या उच्च शिक्षा संबंधित कुछ न कुछ लाभ अवश्य करवा सकता है। इसके साथ ही शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो इनके सप्तम भाव पर पड़ रही है, इस कारण से इन्हें वैवाहिक जीवन में भी सुख की प्राप्ति हो सकती है। इसके अलावा शनि की जो सातवीं दृष्टि है वो लाभ के भाव पर पड़ रही है, तो व्यापार के द्वारा या नौकरी के द्वारा इनको काफ़ी लाभ प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा जो शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो इनके दूसरे भाव पे पड़ रही है, इस कारण से इनके धन में भी वृद्धि हो सकती है। लेकिन वर्तमान में अगर शनि वक्री चल रहा है तो इस कारण से इन सब में कमी भी देखने को मिल सकती है। दोस्तों अब इस कुंडली में उपायों की बातें करते हैं। दोस्तों कुंडली में जो भी उपाय किए जाते हैं वो दशा के अनुसार या अंतरदशा के अनुसार ही किए जाते हैं। वर्तमान में इनकी जो दशा चल रही है वो गुरु की महादशा चल रही है, इस कारण से इनके खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। लग्न का मार्केश है अतः स्वास्थ्य संबंधित भी कुछ ना कुछ परेशानी आ सकती है, इसलिए इन्हें उपाय में हर गुरुवार को गाय को केले खिलाना चाहिए एवं बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। अंतरदशानाथ इनका शनि है और शनि काफ़ी अच्छे भाव में विराजित है, स्वयं की राशि में विराजित है, इस कारण से इन्हें शनि का जो रत्न नीलम होता है वो धारण करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जो शनि का रत्न नीलम है वो इन्हें डार्क ब्लू कलर का नहीं पहनना चाहिए, वो इन्हें जल नीलम जो कि श्रीलंका का सिलोनी लीनम कहलाता है वो धारण करना चाहिए, तो इन्हें शनि के काफ़ी अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। कुंडली में शुक्र राहु और केतु भी नीच के विराजित है, इसके उपाय में
इन्हें माँ दुर्गा की उपासना करनी चाहिए और हर बुधवार को दुर्गा मंदिर में नारियल चढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों ये था कुंडली विश्लेषण का एक और वीडियो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। कुंडली विश्लेषण से संबंधित यदि आपका कोई सा प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट अवश्य कर सकते हैं। अगले अंक तक के लिए जय श्री महाकाल।